हे नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में। और आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, आप लोग का हमेशा रिक्वायरमेंट होता है कि हम लोग जाली को कैसे पॉलिश करते हैं या फिर कैसे पेंट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जाली जो होता है वो स्प्रे कैसे होता है, पॉलिश कैसे होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करें इंटरनेट जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। चलिए वीडियो में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसेस कैसा क्या होता है, इसमें क्या कलर यूज होता है, आप क्या क्या कलर यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो में चलते हैं। अभी जो ये जाली आप देख रहे हैं ये अभी हम लोग का कटिंग होके रखा हुआ है। ये 12 mm में हमारा कटिंग है और इसको पूरा जो इसका जो ये आप देखते हो एज वगैरह ये सब पूरा हम लोग का घसाई होता है। पहले सबसे पहले इसका जो पार्ट होता है इसको हम लोग सैंडिंग करते हैं, अच्छे से इसको सैंडिंग करके घसाई करके मैनुअली कागज से इसको सैंडिंग पेपर से इसको घसाई करते हैं। घसाई करने के बाद इसमें हम लोग का जो होता है वो प्राइमर होता है, जैसे कि आप देखेंगे अभी हम लोग एक प्राइमर किया हुआ है जैसे यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं स्प्रे करना पड़ता है प्राइमर से। और ये जो प्राइमर करने का प्रोसेस होता है, एक बार आप इसको हॉरिजॉन्टल मारते हैं और फिर से इसको हम लोग एक बार वर्टिकल मारते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमर जो होता है वो पूरी तरीके से पूरा जो MDF शीट होता है उसमें अच्छे से कवर हो जाता है। और स्प्रे में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें आपका कलर जो होता है बहुत अच्छे से होता है और आपका इसमें कलर का वेस्टेज या फिर खपत बहुत कम होता है। तो ये एडवांटेज है स्प्रे करने का और उसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है जैसे कि आप देख रहे हो। तो अभी इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये वाला अभी हम लोग का इस पोजीशन में अभी हम लोग का प्राइमर किया हुआ है और प्राइमर करने के बाद इसमें हम लोग का पुटिंग भी किया हुआ होता है। ये आप देखते हैं कि ये सैंडिंग पेपर जो होता है ये सैंडिंग पेपर से इसको हम लोग फिर से इसको प्राइमर करने के बाद इसमें हम लोग का प्राइमर होने के बाद फिर इसको हम लोग पुटिंग करते हैं। पुटिंग करने के बाद फिर से इसमें घसाई होता है जैसे कि आप देखते हैं मैनुअली आप घसाई कर रहे हैं। ये जो भी है इसको स्मूथ करने के लिए ये पूरा अच्छे से इसको हम लोग इसका जो सरफेस है आप इसको जितना अच्छे से स्मूथ करेंगे कलर का आउटपुट उतना ही अच्छा आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऐसे करके इसका घसाई होता है प्राइमर होने के बाद, पुटिंग होने के बाद फिर से इसे घसाई होता है। उसके बाद इसका जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग स्प्रे करते हैं। अभी हम आपको अंदर लेके जाके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये आपका कलर के लिए स्टोरेज है, मतलब ये एक जिसमें हम लोग गन करते हैं इसको स्प्रे गन बोलते हैं। तो स्प्रे गन में ये हमारा जो कलर है इसको पहले ऊपर में कपड़ा देके फिर इसको कलर को ढाला जाता है ताकि जो भी डस्ट वगैरह पड़ता है तो वो ना जाए, क्योंकि वो जब स्प्रे करते हैं तो उससे वो गंदा निकल के फिर आपके जाली में जाके लगेगा तो वो चीज़ अच्छा नहीं होता है। तो फिर इसके बाद इसको ढक्कन बंद करके ऐसे स्प्रे करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो लोग काम करते हैं उन लोग से ही होगा, अगर आप नए नए काम करना चाहेंगे तो हो सकता है लेकिन फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और एक जाली है यहाँ पे वाइट जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये MDF बोर्ड के ऊपर में एक ट्री है जो कि चारों तरफ से 3 इंच का फ्रेम है और मिडिल में ये एक ट्री है जो कि पार्टीशन टाइप का ही हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन देखा। तो इसको भी स्प्रे कर रहे हैं और ये वाइट कलर में है। तो दोस्तों अगर मतलब आपको ऐसे मतलब और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा तो और भी मैं आपको ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो बना के दिखाऊंगा। वाइट कलर, ये आपका वाइट कलर का इसमें पॉलिश होके रखा हुआ है, स्प्रे करके रखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे रखा हुआ है। ये आपका यहाँ पर ये वाला आपका ओम, ये ओम पूरा वाइट कलर में मेटल मतलब ये नॉर्मल में है। अगर आप मेटेलिक में कराते हैं तो मेटेलिक में क्या होता है कि ग्लिटर होता है, मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो ये सारा नॉर्मल में है, नॉर्मल पेंट मतलब जो आपका ऑयल पेंट होता है ये इसमें किया हुआ है। देखिए आपको पूरा ये स्मूथ मिलेगा, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको कहीं से भी कोई कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा अच्छे से इसका क्वालिटी आपको दिखेगा जैसे आप देख रहे हो ये है ना। तो इसका बैक में आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं होता है, जो फ्रंट एरिया होता है फ्रंट साइड होता है उसमें हम लोग ऐसा पॉलिश व्हाइट कलर में पूरा अच्छे से इसमें कलर होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये मोटर यहाँ पे रखा हुआ है पॉलिश करने के लिए। और अगर मैं इसका बताऊं तो इसमें आपका मतलब जो कलर आपको पसंद है आप इसमें ब्राउन करा सकते हैं, रेड करा सकते हैं, व्हाइट करा सकते हैं, येलो करा सकते हैं, मतलब जितना कलर वॉल में आपका होता है ऐसा कलर आपका जाली में भी आप करा सकते हैं। लेकिन बेसिक जो होता है दो कलर ही सबसे ज्यादा चलता है, एक व्हाइट और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक व्हाइट चलता है और एक ब्राउन चलता है जो कि आप मैं
मतलब अगर मंदिर वगैरह कुछ डिजाइन होता है तो उसमें हम व्हाइट पॉलिश कराते हैं, और अगर आपका नॉर्मल सीलिंग वगैरह होता है तो हम लोग उसको ब्राउन कराते हैं, और मैं जो कराता हूँ वो मेटेलिक में होता है। मेटेलिक में क्या होता है कि आप एक यहाँ पे देखोगे थोड़ा ग्लिटर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो देख रहे हो आप ये थोड़ा ग्लिटर होता है उसमें। देखोगे थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है एक चमक होता है, हल्का ग्लिटर होता है इसमें, इस वाले मेटेलिक पॉलिश में जिसको हम लोग बोलते हैं। तो और नॉर्मल पॉलिश में क्या होता है कि ये आपको थोड़ा प्लेन मिलता है, व्हाइट मिलता है, ये पूरा आपको कुछ भी इसमें चमक नहीं मिलता है, बस नॉर्मल एक ये पेंट है। और मेटेलिक में क्या होता है कि आपको एक ग्लिटर भाग में उसमें ग्लिटर मिलता है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला। तो अगर आपको जाली पॉलिश कराना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा। ये कोलकाता का स्टोर है, तो ये कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ और जानना है इसका प्रोसेस, मतलब कैसे कलर करते हैं, कैसे क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि जब ये प्राइमर करेंगे, पेंट करेंगे, मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।